बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। बच्चों से भरी क्लास में आदिवासी शिक्षिका के ज्ञान की परीक्षा लेते जिला कलेक्टर का वीडियो और पत्रकारों द्वारा कलेक्टर मिश्रा के अंग्रेजी ज्ञान के सवाल का ऑडियो वायरल होने के बाद हमने इस मामले की विभिन्न एंगल से रिसर्च की और खबर प्रसारित कर दी। खबर वायरल भी हो गई। खबर चलने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा फेसबुक पोस्ट से एक सफाई दे दी गई कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को लेकर कलेक्टर महोदय द्वारा तात्कालिक रूप से मौके पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बाद में छात्रावास अधीक्षकों एवं शिक्षिकाओं को केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठक पद से हटाने जैसी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही जत्ता के छात्रावास अधीक्षक को निलंबित किया गया है। नोटिस जारी कर निरीक्षण में मिली खामियों पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इसके साथ साथ कुछ दस्तावेज भी उन्होंने पोस्ट कर दिए। अब सवाल ये है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो आपने खुद ये पोस्ट क्यों कर दी थी कि वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठक प्रभार से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ आपने वीडियो भी पोस्ट कर दिया था जो कि वायरल हो गया, और जब मामला न्यूज़ चैनल तक पहुंच गया तो कल सुबह ही आपने वीडियो भी डिलीट कर दिया, उसके बाद वो पोस्ट भी डिलीट कर दी गई। मिश्रा जी के इस कृत्य की शिक्षक संघों द्वारा निंदा की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि शिक्षक संहिता के अनुसार बच्चों के सामने उनकी शिक्षिका के ज्ञान को तौलना और फिर उसका वीडियो बनाकर उसका तमाशा बना देना यानी कि वायरल कर देना सर्वथा अनुचित है। जो तरीका इन्होंने अपनाया माननीय कलेक्टर महोदय ने, उसमें नियमानुसार कार्यवाही में कहीं ना कहीं कमी रही है। प्रथम तो उस शिक्षिका को इतना भय व्याप्त हो गया होगा कि जिले का मुखिया मजिस्ट्रेट पावर से तो जब सामने बैठे हैं तो हड़बड़ा गई होगी, लेकिन उसके बाद गलती भी अगर वो मानते हैं तो प्रथम तो उन्हें समझाइश देना चाहिए जो शिक्षक संहिता के अनुसार है। उसके बाद समान प्रकरण में अगर उन्हें समझाइश देने के बाद भी सुधार नहीं होता है तब चेतावनी पत्र कार्यालय जारी करना चाहिए, और उसमें भी अगर उसमें सुधार नहीं होता है तब अन्य कार्यवाहियों के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा सुनने और पढ़ने के बाद मुझे कहीं से भी ऐसा एक नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समझ में नहीं आया। कहना भी बहुत बड़ी चीज़ है, कह देना उसके बाद में मीडिया में प्रसारित करना उस संबंधित शिक्षक के मस्तिष्क पर कितना गहरा आघात आया होगा इसकी कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। कार्यवाही तो सही कहीं से भी नहीं लग रही, क्योंकि वीडियो लेकर के पूरा तामझाम हमला लेकर के किसी भी स्कूल में जाना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। जो इस तरह का प्रसारण किया गया है सोशल मीडिया में लगातार, और ऐसा मुझे लग रहा है कि कई राज्यों तक पहुंच गया है, तो बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं। हालांकि जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा अब ये कह रहे हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, आदमी गलतियों से ही सीखता है। देखिए, एक तो पहली चीज, गलती किसी से हो सकती है और आदमी गलती से सीखता है। मेरे द्वारा जो भी निरीक्षण किए गए उस दिन सभी को सिर्फ नोटिस दिया गया है। मुझे लगता है कि ऐसे टीचर्स को हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हम, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम हर जन शिक्षा केंद्र में ऐसे टीचर्स जो हमारे कमजोर हैं उनकी ट्रेनिंग करने का हम प्लान शेड्यूल कर रहे हैं छुट्टी के दिनों में, उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। टीचर को पनिशमेंट करना कोई जो है वो नहीं है, किसी भी टीचर को पनिशमेंट नहीं किया गया है। इस दिन जितने भी निरीक्षण हुए सबको सोकॉज नोटिस दिया गया है, जितने भी टीचर्स का निरीक्षण हुआ सबको नोटिस गया है। नोटिस का उद्देश्य है इम्प्रोवाइजेशन, हम अपनी गलतियों से सीखें, सिर्फ इतना ही। बिल्कुल सही बात है, साहब कह रहे हैं कि किसी भी टीचर को पनिशमेंट नहीं किया गया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपने अब ये मान तो लिया कि किसी को पनिशमेंट नहीं दिया गया और गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इन दिनों जिला प्रशासन नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण कर रहा है और कुछ शिक्षकों और अधिकारियों ने ये भी बताया कि इन दिनों शिक्षक वर्ग में अधिकारियों ने खौफ और दहशत का माहौल बना रखा है। अभी तो चारों तरफ यही स्थितियाँ चल रही है, लगातार निलंबन कर दिया जाए, लगातार उन्हें धमकाया जाए, तो इस तरह से शिक्षा
का स्तर उठेगा नहीं। संभावित हो सकता है कि किसी अदृश्य शक्तियों के प्रभाव में आकर भी उन्होंने किया होगा माननीय कलेक्टर महोदय ने, तब भी एज ए PhD उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। अगर उनमें कमियां हैं तो डाइट है, यहाँ पर मैं स्वयं यहाँ SRP का काम कर रहा हूँ, हमें निर्देशित करें कि ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाए, उनकी सूचियाँ बनवाएंगे और उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। नाम ना उजागर करने की अपील के साथ यह शिकायत भी हमसे की गई कि इस वर्ग से अवैध वसूली भी की जा रही है। जिले के प्रमुख पदों पर जाति विशेष के अधिकारियों का कब्जा है, जिनके द्वारा अन्य जाति वर्ग के कर्मचारियों पर जातिगत दुर्भावना से कार्यवाहियां की जा रही हैं। जिस तरीके से भेदभाव सहित समान दो प्रकरणों अलग अलग तरीके से वीडियो वायरल हुआ और समाचारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो उसे पढ़कर और सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ जातिगत विद्वेष भी उनके मस्तिष्क में रहा होगा, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जिले के मुखिया को समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जल्दी हम इसका भी खुलासा करेंगे, बने रहें हमारे साथ।